अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज एक और मज़ेदार रेसिपी मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन मैंने इस रेसिपी का नाम नहीं लिखा है। मैंने सोचा क्यों ना आप लोग ही गैस करो कि ये क्या रेसिपी हो सकती है। सो एनीवन? नहीं तो चलिए मैं ही बता देती हूँ कि ये जो रेसिपी है ये क्या है। तो आज मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये है गाजर का हलवा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए जो मैंने इन्ग्रीडियंट्स लिए हैं पहले हम वो देख लेंगे। मैंने लिए हैं कैरेट्स, मिल्क, शुगर, घी, रेजिनस, आलमंड्स, कैशूज एंड कोकोनट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने पर्पल कलर के कैरेट्स लिए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम कैरेट्स को ग्रेट करेंगे। तो उसके लिए ग्रेटर का जो बिग होल्स वाला साइड होता है उन्हीं से हम कैरेट्स को ग्रेट करेंगे। तो हमारा ये स्टेप हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ पर मैंने 2 गिलास फुल फैट मिल्क लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 कप चीनी। आप चीनी अपने टेस्ट के अनुसार डाल दीजिएगा। और जो पर्पल कलर के कैरेट्स होते हैं इनमें दूध थोड़ा ज़्यादा ही लगता है एज़ कम्पेयर टू ऑरेंज कलर के जो कैरेट्स होते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट स्टेप, मैंने कढ़ाई लगा दी है। हम इसमें डाल देंगे अब घी। घी हमारा गर्म हो गया है तो अब हम इसमें डालेंगे ग्रेट की हुई कैरेट्स। अब हम इन्हें तब तक पकाएंगे जब तक नहीं ये सॉफ्ट और जूसी दिखेंगे। अब ये सॉफ्ट हो गए हैं तो अब हम इसमें डालेंगे दूध। अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक ना इसमें डाला हुआ दूध पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। अब डालेंगे हम इसमें थोड़े से किशमिश, बादाम, कैशूज और नारियल। तो देख लीजिए इसमें जो हमने दूध डाला था वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गया है और हमारा गाजर का हलवा तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करेंगे। गार्निशिंग के लिए मैंने कोकोनट पाउडर लिया है। और करेंगे हम इसे गार्निश बादाम और कैशू से। तो इसी के साथ एंजॉय कीजिए आज की स्पेशल रेसिपी।
So guys, if you like my today's recipe, give a thumbs up and also don't forget to share your feedbacks in a comment section. And share my videos to your loved ones and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. So, let us catch up in my new video with some delicious recipes. Till then, take care and Allah Hafiz.